महाराज, यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं हुए साले, पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है। मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए, ये तो जिंदा लोग हैं। लाइव तीर तीर तीर। कैप्टन स्टॉक। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर, अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। ओह सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑलराइट। सर, आपने क्या लिखा उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर, तो आपका अगला कदम क्या है? यही के जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब बहुत कड़क। अरे सर, नोट से ज्यादा कड़क थोड़े ही हो सकते हैं। सेटअप। थैंक यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। एसी महाराज, साक्षी, ये जनरल नहीं है, नटंकी का भांड है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देखा इसे। सेटअप, हंसो। हेलो जनरल साहब जी। जनरल जी नमस्ते। पायला की जनरल साहब। जनरल साहब, आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजर। अरे टोपी तो उतार भाई गौर। सर, जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है, डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट व्हाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर, रियल टैंक देखकर क्या करेंगे, वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो, ले लीजिए टैंक, देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर, माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है, और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता, जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ गए ना आप सब कुछ? खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और साला, खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं, इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको कायम ही तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी भाई गोल 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन? नहीं नहीं, एक खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अभी दूं? दो सर। समझे, बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वजन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है? अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है, राजनीति समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता है तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। एनी स्टॉप। और तुम सर, शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे? यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो।